नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज बंद होने से हजारों छात्रों के बीच आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगातार 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं नर्सिंग छात्र। छात्राओं ने आज ग्वालियर में अर्धनग्न होकर शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शासन प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया और चक्का भी जाम किया। धरना प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि ये नर्सिंग के 2018 सत्र के बच्चे है और इन बच्चों के ऊपर सरकार ने इनके साथ बेरुखी की है और अन्याय किया है, क्योंकि सरकार ने अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने, कॉलेज वालों ने की मान्यता खत्म कर दी, जिसकी 31 दिसंबर लास्ट डेट थी और 20 सत्र में एक नया नियम लागू किया गया कि 100 बेड के हॉस्पिटल होना जरूरी है। एक बात बताइए, 20 सत्र में आप जब आधा सत्र पढ़ गया हो बच्चों का, 20 सत्र में एक नया नियम लाके आप किसी भी मन मर्जी अपनी शासन के प्रति मतलब इस तरह से आप कर रहे हो, ये एक अन्याय है। और हमारा यही मांग है सरकार से कि इन बच्चों के कैसे भी ना कैसे पेपर कराए जाए। जो कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, नर्सिंग छात्र संगठन उनका सपोर्ट नहीं करता है। जो कॉलेज वाले इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के नियमों का पालन करते हैं, संगठन उनके साथ है। और हमारा बस सरकार से यही मांग है कि जो नर्सिंग के 2018 के सत्र के बच्चे हैं उनके किसी प्रकार बस पेपर कराए जाए। ग्वालियर से इनपुट हेड संजय चिड़ार।